नमस्कार। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो के तौर पर दुनिया भर में पहचान बनाने वाले अभिनंदन वर्धमान तो आपको याद ही होंगे। आज उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सोमवार का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास रहा, खासकर भारतीय वायुसेना के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको याद होगा 27 फरवरी 2019 का वो दिन जब अभिनंदन ने एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में MiG-21 की मदद से मार गिराया था। पाकिस्तानियों के कब्जे से सकुशल निकलकर जब अभिनंदन घर वापस आए थे तब हर किसी ने उनका स्वागत किया था। बताते चले, पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद तनाव काफी बढ़ गया था और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसका जवाब भारत ने बखूबी दिया था। इसी दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। चूंकि इस दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया था, ऐसे में इजेक्ट करने के बाद वो POK पहुंच गए थे। वहां से पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें कब्जे में ले लिया। भारत के लगातार बढ़ते दबाव के बाद पाकिस्तान को मजबूर होकर अभिनंदन को सकुशल भारत वापस लौटाना पड़ा था। आपको बताते चले, ये वही अभिनंदन वर्धमान है जिन्होंने पाकिस्तान के कब्जे में आते ही अपने पास मौजूद जरूरी दस्तावेजों को चबाकर निगल लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि देश की कोई भी जानकारी पाकिस्तान के हाथ ना लग सके। उसी वीर बहादुर को आज राष्ट्रपति की तरफ से वीर चक्र से सम्मानित किया गया तो हर कोई गौरवान्वित हो उठा। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडिनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहित एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्धमान अभिनंदन। वहीं जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान A++ श्रेणी के आतंकवादी को मारने के लिए नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट, 34th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। नायब सूबेदार सोमवीर 34
राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए तीन कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। पांच आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गाँव पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढौंडियाल। इन सबके अलावा कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। द कोर ऑफ इंजीनियर्स फर्स्ट बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत 27 नवंबर
2018 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडबानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव जाधव ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को खदेड़ा था। देश के वीर जवानों को सम्मानित किए जाने से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।